राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा, शहर में लगातार हो रही चोरियां एवं बढ़ते ट्रैफिक को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी, कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव एसपी कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन एसपी विनायक वर्मा को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शहर में लगातार हो रही चोरियां जो पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़े करता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द चोरियां और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो पार्टी पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का पुतला दहन कर पार्टी सोते हुए पुलिस हरकमे को जगाने का काम करेगी। क्या है कि शहर में चोरियों की वारदात बढ़ रही है। अपने मालूम है कि कोरोना के समय में इस महामारी में बेरोजगारी और ये सब तो होगा, तो हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को ये निवेदन करने आए थे कि थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि इस परिस्थिति में ये वारदातें चूँकि अभी बढ़ा है तो इस पर थोड़ा सा निगरानी रखें रात में। और बरसात में अक्सर हर साल ये होता है, जब बारिश तो बाहर की गैंग यहाँ सक्रिय होती है और बड़ी बड़ी दुकानों के ताले टूटे हैं अपने यहाँ, ये एक वो है, हिस्ट्री है यहाँ की। और दूसरा ट्रैफिक के बारे में भी हमने कहा कि चूँकि अब एकदम लोग निकले हैं घरों से तो बाजार में जाम की स्थिति बन रही है, ऐसे में कोरोना महामारी के और बढ़ने की तो ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा कि ताकि ट्रैफिक रुके ना, जाम की स्थिति ना बने। ऐसी विदिशा के अंदर जो चोरियां वगैरह हुई हैं उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, साथ में अभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो बर्बरतापूर्ण एक केस लगाया गया है बिना कोई बहुत उचित कारण के, तो उस पर भी हमारा पक्ष रखा गया है कि कार्यकर्ताओं पर जो केस लगाया गया उसे पूरी गहन जाँच करके वापस लिया जाए। साथ में विदिशा के अंदर अभी जो मैडम है तहसीलदार मैडम, उनके द्वारा शहर के अंदर व्यापारियों से और आम जनता के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, और लगभग रोज़ टारगेट रहता है 15,000 रुपये पेनाल्टी लगाने का, तो शासन अगर 15,000 रुपये की पेनाल्टी से चल रहा हो तो ये बड़ी दुखद बात है। और कहीं ना कहीं जब टारगेट होते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं सताए जाते हैं, तो मेरा ये हम लोगों का ये प्रयास है कांग्रेस पार्टी का कि माननीय जिलाध्यक्ष महोदय की नॉलेज में लाके उस बात पे विस्तृत उनको जांच करें और इसके बाद आगे कार्य की बात करते उसमें अपन किस तरीके की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मुख्यतः एक बड़ी वारदात चोरी की हुई थी कुछ दिन पहले कोतवाली क्षेत्र में, सब्सिक्वेंट एक निजी मकान में हुई थी और परसों के दिन एक ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, तो इस तरह से तीन कुछ घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो इसमें पुलिस की सतर्कता को बढ़ाने की आवश्यकता है और हम कमिटेड हैं कि रात्रि गश्त जो है, नाइट पेट्रोलिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मात्रा में वॉल्यूम ही बढ़ाएंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो चोरी है जहाँ जहाँ पे हो रही है उसकी हॉटस्पॉट मैपिंग जिसे कहते हैं, मतलब ऐसे स्पॉट्स को मैप पे चिन्हित करके इन स्पॉट्स पे विशेष पॉइंट लगाना और सुनिश्चित करना कि रेगुलरली वहाँ पुलिस का मूवमेंट हो, ये प्रयास भी जारी है। चोरी करने वाले लोग अक्सर चोरी का वाहन का भी उपयोग करते हैं, तो इसलिए चोरी वाहन ट्रैक करने का एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल, और हाल ही में हमने इसका बड़ा ट्रेनिंग सेशन रखा। बहुत खुशी की बात है, सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाने के बाद से लगभग 25 वाहन ट्रेस हो चुके हैं जिनमें से 8 चोरी के वाहन भी हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पुलिसिंग को बढ़ा के और साथ ही जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग तरीके होते हैं, हिस्ट्री शीटर को चेक करना, संदेहजनक लोगों से पूछताछ करना और फिंगरप्रिंट्स इत्यादि लेना, इनका प्रयास जारी है। हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत जल्द चोरी का खुलासा हम करेंगे। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।